तो हम लोग कल फील्ड्स खत्म किए हैं। हम लोग देखने वाले हैं कंट्रोल एक्सेस टू रिकॉर्ड्स। ठीक है, प्रैक्टिकली ठीक है। तो कंट्रोल एक्सेस टू रिकॉर्ड्स, इसमें हम लोग देखने वाले हैं लिस्ट द फोर वेज टू कंट्रोल एक्सेस टू रिकॉर्ड्स, डिस्क्राइब सिचुएशंस इन विच टू यूज ईच ऑफ द फोर रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी कंट्रोल्स, एक्सप्लेन हाउ द डिफरेंट रिकॉर्ड कंट्रोल्स इंटरैक्ट विद ईच अदर, सेट ऑर्ग वाइड शेयरिंग डिफॉल्ट्स टू कंट्रोल एक्सेस रिकॉर्ड्स। तो जैसा कि हम लोग पहले से भी जानते हैं कि जो रिकॉर्ड्स होता है, रिकॉर्ड्स में उसमें चार टाइप का, चार लेवल ऑफ एक्सेस होता है कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, और वो चार लेवल ऑफ एक्सेस जो होता है, चार तरीका जो होता है, वो हम लोग आज यहाँ पे देखने वाले हैं। क्या क्या तरीका होता है जिससे हम लोग रिकॉर्ड्स को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उनमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी में अगर बात करें हम लोग, तो टू कंट्रोल डेटा एक्सेस प्रिसाइजली यू कैन अलाउ पर्टिकुलर यूजर्स टू व्यू स्पेसिफिक फील्ड्स इन अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, बट देन रिस्ट्रिक्ट द इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स दे आर अलाउड टू सी। तो जैसा बता रहा है कि हम लोग अगर डेटा एक्सेस की बात करें, तो हम लोग अलाउ कर सकते हैं यूजर्स को कोई भी पर्टिकुलर फील्ड देखने के लिए कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में, बट लेकिन हम लोग उसका इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स का जो है उसका एक्सेस भी कंट्रोल कर सकते हैं कि वो हम लोग को दिखाना है या नहीं दिखाना है। तो फॉर एग्जांपल, हमारा अगर कोई ऑब्जेक्ट है कैंडिडेट, कैंडिडेट ऑब्जेक्ट का अगर एक प्रोफाइल हायरिंग मैनेजर को अगर फॉर एग्जाम्पल एक्सेस है कैंडिडेट ऑब्जेक्ट देखने का, और उस कैंडिडेट ऑब्जेक्ट के फील्ड्स को भी देखने का अगर एक्सेस है, लेकिन जब कैंडिडेट ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड बनेगा तो उस रिकॉर्ड को देखने का एक्सेस होगा या नहीं होगा, वो भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, रिकॉर्ड एक्सेस डिटरमाइंस विच इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स यूजर कैन व्यू एंड एडिट इन ईच ऑब्जेक्ट दे हैव एक्सेस टू इन देयर प्रोफाइल। फॉर फर्स्ट आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस। तो रिकॉर्ड एक्सेस क्या करता है कि इंडिविजुअली डिफाइन करता है कि कौन सा रिकॉर्ड यूजर्स को देखना है, कौन सा रिकॉर्ड यूजर्स को मॉडिफाई करने के लिए देना है, एडिट करने के लिए देना है। उनके प्रोफाइल से ये कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना, उनके प्रोफाइल में जो एक्सेस होता है उसके अकॉर्डिंगली। अब हम लोग को ये क्वेश्चन पूछना है खुद से, शुड योर यूजर्स हैव ओपन एक्सेस टू एवरी रिकॉर्ड और जस्ट अ सबसेट, इफ इट्स अ सबसेट व्हाट रूल्स शुड डिटरमाइन वेदर द यूजर कैन एक्सेस देम। सॉरी, अब हम लोग को ये देखना है कि क्या हमारे यूजर्स को ओपन एक्सेस दिया हुआ है हर रिकॉर्ड के लिए या फिर उसके कुछ सबसेट के लिए दिया हुआ है, ये देखना है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर सबसेट के लिए है तो वो सबसेट का जो उसमें है उसमें क्या क्या रूल्स डिटरमाइंड किया हुआ है जो यूजर को एक्सेस करना है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली पता चलेगा कि आगे हम लोग कैसे रिकॉर्ड्स को हम लोग उसका डिटरमाइन करेंगे एक्सेस। लेट्स से यू क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल कॉल्ड रिक्रूटर, टू गिव रिक्रूटर्स द ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन दे नीड, यू रिस्ट्रिक्ट द पावर टू डिलीट रिक्रूटिंग रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स, सो रिक्रूटर्स विल नेवर बी एबल टू डिलीट दिस ऑब्जेक्ट्स। हाउएवर, ग्रांटिंग रिक्रूटर्स परमिशन टू क्रिएट, रीड एंड एडिट रिक्रूटिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट नेसेसरली मीन रिक्रूटर्स कैन रीड एंड एडिट एवरी रिकॉर्ड इन द रिक्रूटिंग ऑब्जेक्ट। दिस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जैसा बता रहा है कि एक प्रोफाइल हम लोग बनाते हैं रिक्रूटर। अब रिक्रूटर प्रोफाइल जब बनाएंगे उसमें ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन हम लोग सेट करेंगे और अकॉर्डिंगली जैसा उसका जरूरत है उसमें हम लोग रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि रिक्रूटर जो है उसको डिलीट का परमिशन नहीं देना है, ठीक है, रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स का, लेकिन उसको हम लोग एडिट क्रिएट और रीड का एक्सेस देंगे। ठीक है, ये हम लोग उस प्रोफाइल में सेट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर रिकॉर्ड को ही एडिट, हर रिकॉर्ड को रीड और हर रिकॉर्ड को व्यू कर सकता है, ठीक है। तो वो हम लोग आगे देखें कि इसका इसका कैसे कैसे कंट्रोल होता है बेसिकली, कि हम दिए हुए एक्सेस फिर भी वो सारा रिकॉर्ड क्यों नहीं देख सकता है। द परमिशन ऑन रिकॉर्ड आर ऑलवेज एवेल्युएटेड अकॉर्डिंग टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेवल, फील्ड लेवल एंड रिकॉर्ड लेवल परमिशन। तो वही बता रहा है कि जो परमिशन जो होता है एक रिकॉर्ड में, वो रिकॉर्ड का जो परमिशन होता है हमेशा तीन चीजों से एवेल्युएट होता है, पहला ऑब्जेक्ट लेवल सेटिंग्स, दूसरा फील्ड लेवल सेटिंग, तीसरा रिकॉर्ड लेवल सेटिंग। ये तीनों परमिशंस के बाद ही आप एक रिकॉर्ड को किसी भी यूजर्स को उसका एक्सेस आप इवेल्युएट कर सकते हैं कि वो देख पाएगा या मॉडिफाई कर पाएगा या डिलीट कर पाएगा या क्रिएट कर पाएगा इस चीज का।
ठीक है, ये तीनों चीज मैटर करता है कोई भी रिकॉर्ड लेवल एक्सेस के लिए। नेक्स्ट है, व्हेन ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन कॉन्फ्लिक्ट्स विद रिकॉर्ड लेवल परमिशन द मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव सेटिंग्स विन। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है कि जब ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन रिकॉर्ड लेवल परमिशन से कॉन्फ्लिक्ट करता है ना, इन दोनों में जब अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन हम दे के रखे हैं रीड, लेकिन रिकॉर्ड लेवल परमिशन दे के रखे हैं हम राइट, तो इसमें क्या होगा कि जो सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव परमिशन होगा वो विन कर जाएगा। तो रेस्ट्रिक्टिव परमिशन क्या हुआ, अगर हम ऑब्जेक्ट लेवल रीड रखे हैं और प्रोफाइल लेवल में राइट रखे हैं, तो सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव मेरा ऑब्जेक्ट लेवल का हुआ क्योंकि वो रीड है, राइट तो रेस्ट्रिक्टिव है नहीं, वो तो रिलैक्स करना हुआ। तो इस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन विन कर जाएगा, ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव है। तो ये बोल रहा है जब दो ऑब्जेक्ट लेवल और रिकॉर्ड लेवल परमिशन में जब कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव सेटिंग्स जिसका होता है वो जीत जाता है। अब यहीं पे अगर उल्टा हम कर देते कि ऑब्जेक्ट लेवल में अगर राइट होता और रिकॉर्ड लेवल पे रीड होता, तो अगेन रिकॉर्ड लेवल जीत जाता क्योंकि रिकॉर्ड लेवल में सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव है वो है रीड करने देना, राइट नहीं करने देना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, दैट मीन्स इवन इफ यू ग्रांट अ प्रोफाइल क्रिएट रीड एडिट परमिशंस ऑन द रिक्रूटिंग ऑब्जेक्ट, इफ द रिकॉर्ड लेवल परमिशन फॉर एन इंडिविजुअल रिकॉर्ड रिक्रूटिंग रिकॉर्ड आर मोर रेस्ट्रिक्टिव, दोज आर द रूल्स दैट डिफाइन व्हाट अ रिक्रूटर कैन एक्सेस। सेम थिंग वो ये जो एग्जाम्पल हम समझाए कि अगर इसका मतलब ये बता रहा है कि अगर किसी प्रोफाइल में आपने क्रिएट रीड एडिट परमिशन देकर रखा है रिक्रूटिंग ऑब्जेक्ट को, लेकिन रिकॉर्ड लेवल परमिशन में अगर उसका और ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव एक्सेस दिया हुआ होगा, तो यहाँ पे आपका रिकॉर्ड लेवल जीत जाएगा, रिकॉर्ड लेवल का जो एक्सेस है वो ओवरराइड कर देगा आपका प्रोफाइल लेवल जो ऑब्जेक्ट का एक्सेस होगा वो। यू कैन कंट्रोल रिकॉर्ड लेवल एक्सेस इन फोर वेज, दे आर लिस्टेड इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एक्सेस। यू यूज ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट्स टू लॉक डाउन योर डेटा टू द मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव लेवल, एंड देन यूज द रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी टूल्स टू ग्रांट एक्सेस टू सिलेक्टेड यूजर्स एज रिक्वायर्ड। तो हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड लेवल एक्सेस का चार वेज ऑफ रिकॉर्ड लेवल एक्सेस होता है वो हम लोग देखने वाले हैं नीचे, ठीक है। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे अभी दिखाया है, तो जो ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट्स ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट्स का जो एक्सेस होता है वो आपका डेटा को और मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव लेवल में उसको लेके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी टूल में आते हैं, उसमें देखते हैं हम लोग की क्या क्या उसमें रिक्वायर्ड होता है और जो चार लेवल ऑफ एक्सेस होता है। तो उसको ऑर्ग लेवल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ऑर्ग लेवल आपका हो गया ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट में स्पेसिफाई स्पेसिफाई द डिफॉल्ट लेवल ऑफ एक्सेस यूजर्स हैव टू ईच अदर्स रिकॉर्ड। तो ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट में हम लोग क्या बताते हैं कि क्या क्या एक्सेस होना चाहिए एक यूजर्स को जब वो रिकॉर्ड बनेगा और जब वो रिकॉर्ड मॉडिफाई होगा सिस्टम में। रोल हायरार्की इंश्योर मैनेजर्स हैव एक्सेस टू द सेम रिकॉर्ड्स एज देयर सबॉर्डिनेट्स, ईच रोल इन द हायरार्की रिप्रेजेंट्स अ लेवल ऑफ डेटा एक्सेस दैट अ यूजर और ग्रुप ऑफ यूजर्स नीड। रोल हायरार्की हम लास्ट टाइम भी बताए थे, ऐसे ये चारों ऑप्शन हम लास्ट टाइम भी बताए थे। तो इसमें ये है कि जो रोल हायरार्की है वो जो जो हमारे हायरार्की से हमेशा ऊपर रहेगा उनको एक्सेस मिल जाएगा उसके सबॉर्डिनेट्स का, उसके जो नीचे में रहेंगे उनका, ठीक है। शेयरिंग रूल्स भी हम बता चुके हैं लास्ट टाइम में। शेयरिंग रूल्स क्या होता है कि ऑटोमेटिक बेसिकली आप एक्सेस जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, जब भी आपका एक्सेस परमिशन जब भी उसको शेयर करना हो ऑटोमेटिकली किसी बिजनेस यूज केस के लिए, बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए, तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मैनुअल शेयरिंग, भी हम बता चुके हैं। मैनुअल शेयरिंग में एग्जांपल लिए थे हम वो आपका वेकेशन वाला, जिसमें कि दो रिसोर्स काम कर रहे हैं, वेकेशन में जा रहा है और उसको अगर हमको एक्सेस शेयर करना है तो वो मैनुअल शेयरिंग के थ्रू टेम्पररी एक्सेस शेयर कर सकते हैं रिकॉर्ड्स का। तो वही चारों एक्सेस यहाँ पे बताया हुआ है, और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं विजिबिलिटी कैसे कैसे ओपन होता है उस पिरामिड में बताया जा रहा है यहाँ पे। तो ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट से आप उसके बाद रोल हायरार्की में ओपन अप होता है, फिर शेयरिंग रूल, फिर मैनुअल शेयरिंग, तो इस टाइप से इसका ग्राफ जा रहा है, ठीक है। सो सबसे ज्यादा डेप्थ में जो होता है वो पहला ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट से होता है।
The visibility and access for any type of data is determined by the interaction of the above security controls based on these key principles. ठीक है, जो विजिबिलिटी होता है, एक्सेस होता है जो भी कोई डेटा का जो आपका सिस्टम में होता है, वो जो अभी जो ऊपर हम लोग चारों सिक्योरिटी कंट्रोल्स देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली होता है। ठीक है, अ यूजर्स बेसलाइन परमिशन ऑन एनी ऑब्जेक्ट आर डिटरमाइंड बाय देयर प्रोफाइल। तो यूजर का जो बेसलाइन परमिशन होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का, वो प्रोफाइल से डिटरमाइंड होता है। ठीक है, जो भी प्रोफाइल असाइंड होगा यूजर्स को, वो उसका बेसलाइन एक्सेस होगा कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए। इफ द यूजर हैज एनी परमिशन सेट असाइंड, दीज ऑल्सो सेट द बेस लाइन परमिशन इन कंजक्शन विद द प्रोफाइल। अब अगर किसी यूजर के पास परमिशन सेट्स असाइंड है तो वो भी एक बेस लाइन होगा टुगेदर विथ योर प्रोफाइल। प्रोफाइल और परमिशन सेट साथ में मिलके वो एक बेस लाइन बन जाएगा फिर। और अगर परमिशन सेट नहीं है तो आपका प्रोफाइल ही बेस लाइन है, लेकिन परमिशन सेट आ गया तो दोनों का जो है मिला के वो बेस लाइन हो गया आपका। एक्सेस टू रिकॉर्ड्स अ यूजर एक्सेस टू रिकॉर्ड्स अ यूजर डज नॉट ओन अ सेट फर्स्ट बाय आउटवाइड डिफॉल्ट्स। जो एक्सेस जो रिकॉर्ड्स का होता है, जो कि यूजर जिसको ओन नहीं करता है, उसका जो एक्सेस होता है वो आउटवाइड डिफॉल्ट से आपका सेट होता है। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब ये हुआ। अच्छा, ओनर तो सबको पता ही है कि हाँ, सेसफोर्स में कोई भी रिकॉर्ड बनेगा तो उसका ओनर होता है। तो अगर किसी रिकॉर्ड का ओनर अगर आप नहीं हो तो वो रिकॉर्ड का एक्सेस जो है आपके लिए वो आउटवाइड डिफॉल्ट सेटिंग से डिसाइड होगा कि आपको एक्सेस होना है या नहीं होना है। इफ द ऑर्गवाइड डिफॉल्ट्स आर एनीथिंग लेस देन पब्लिक रीड राइट, यू कैन ओपन एक्सेस बैकअप फॉर सर्टेन रोल्स यूजिंग द रोल हायरार्की। बता रहा है कि अगर अगर आपके ऑर्गवाइड डिफॉल्ट्स आपका जो एक्सेस है वो पब्लिक रीड राइट से कम हो तो आप उस एक्सेस को खोल सकते हैं, जिससे आपका कुछ रोल्स और रोल हायरार्की के थ्रू आप देख पाएंगे। ठीक है, डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। यू कैन यूज शेयरिंग रूल्स टू एक्सपेंड एक्सेस टू एडिशनल ग्रुप्स ऑफ यूजर्स। शेयरिंग रूल तो हम लोग पढ़े ही है कि शेयरिंग रूल्स ऑटोमेटिकली एक्सेस दे सकते हैं। तो ये बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड जिस पे एक्सेस नहीं है और आपको एक्सेस देना है, तो शेयरिंग रूल का यूज करके ऑटोमेटिक एक्सेस शेयर कर सकते हैं आप कोई भी ग्रुप और कोई भी यूजर्स के साथ। ईच रिकॉर्ड ओनर कैन मैनुअली शेयर इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स विद अदर यूजर्स बाय यूजिंग द शेयर बटन। ओके, ये शेयर बटन जो बता रहा है, शेयर बटन ऑन द रिकॉर्ड, ये मैनुअल शेयरिंग है। तो मैनुअल शेयरिंग तो हम लोगों को पता चल गया कि मैनुअली शेयर करते हैं डेटा, बट मैनुअल शेयरिंग करते कैसे हैं? वो ऐसे करते हैं जब जो आप सेल्सफोर्स में रिकॉर्ड बनाएंगे, उस सेल्सफोर्स रिकॉर्ड में एक बटन होता है कॉल्ड शेयर। ठीक है, ये शेयर बटन होता है आपके हर सेल्सफोर्स रिकॉर्ड में, उस बटन पे क्लिक करेंगे तो उससे आप शेयर कर सकते हैं। तो वो मैनुअली शेयरिंग होता है। ये सब हम लोग प्रैक्टिकली जब करने लगेंगे ना, तो आप लोग ये सब कुछ ये सारा एक्चुअली बिल्ड का पार्ट है, डेवलपमेंट का पार्ट है। थ्योरी चल रहा है, लेकिन जब प्रैक्टिकली करने लगेंगे तो इट विल मेक मोर सेंस, तब ज्यादा समझ में आएगा आपको कि अच्छा ऐसे हो रहा है। यू हैव ऑलरेडी सीन हाउ टू और कॉन्फिगर पॉइंट बताइएगा भैया फिर से एक बार। कौन सा वो पब्लिक रीड राइट वाला वो मतलब प्राइवेट के लिए होगा। ये फोर्थ पॉइंट, ये बोल रहा है इफ द ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट्स आर एनीथिंग लेस देन पब्लिक रीड राइट, यू कैन ओपन एक्सेस बैकअप फॉर सर्टेन रोल्स यूजिंग द रोल हायरार्की। मतलब ये बोल रहा है कि अच्छा, जैसे कि पब्लिक रीड राइट है तो कोई मतलब नहीं है, मतलब पब्लिक रीड राइट मतलब कि उसमें रोल हायरार्की का कोई तो बात नहीं आता है। अगर पब्लिक रीड राइट है मतलब प्राइवेट होगा तो हाँ, अगर प्राइवेट हुआ या रीड ओनली हुआ, तो टोटल तीन टाइप का होता है ना आपका, मतलब एनीथिंग लेस देन बोल रहा है। तो पब्लिक रीड राइट तो सबसे खुला खुला हो गया, उसके नीचे प्राइवेट भी हो सकता है और आपका रीड ओनली भी हो सकता है। तो इसमें जो भी होगा तो वो फिर एक्सेस जो है डिपेंड करेगा रोल और रोल हायरार्की। अदरवाइज कुछ और भी डिफरेंट वेज है, शेयरिंग रूल है, मैनुअल शेयरिंग है, तो वही बचाने की कोशिश कर रहा है कि अगर इससे कुछ भी लेस हुआ तो रोल हायरार्की के थ्रू आपका ऑटोमेटिकली। यही इसका मतलब इसमें भी चैलेंज में भी दिया था ये तो हम ऐसे तुक्का में मतलब बस प्राइवेट करके किए थे तो हो गया था लेकिन अच्छा समझे अच्छा नहीं थे। अच्छा अच्छा समझ गए ना आप। प्राइवेट या रीड ऑनली करते तो दोनों में से दोनों ले लेता। यू हैव ओके। तो ये हो गया भाई कि हम लोग अभी हम लोग देख लिए कि ऑब्जेक्ट लेवल और फील्ड लेवल एक्सेस जो है प्रोफाइल्स और परमिशन सेट के थ्रू हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि रिकॉर्ड लेवल कैसे करेंगे। तो प्रोफाइल लेवल हो गया, परमिशन लेवल हो गया, अब हम लोग रिकॉर्ड लेवल देखेंगे। तभी जैसे हम लोग पढ़े, सबसे पहला ऑर्ग वाइड सेटिंग्स। ऑर्ग वाइड सेटिंग्स में क्या होता है, ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट स्पेसिफाई द बेसलाइन लेवल ऑफ एक्सेस दैट द मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव यूजर्स शुड हैव। यूजर्स ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट टू लॉक डाउन योर डेटा एंड देन यूज द
other record level security and sharing tools, role hierarchy sharing rules, and manual sharing to open up the data to users who need it. तो और वह डिफॉल्ट जो है वो बेसलाइन है अगेन, जैसे कि टोटल प्रोफाइल और जो परमिशन सेट बेसलाइन होता है कोई भी एक यूजर्स के एक्सेस के लिए, फील्ड और ऑब्जेक्ट के लिए, उसी तरह से रिकॉर्ड के लिए जो ऑर्ग वाइड सेटिंग्स होता है ये बेसलाइन होता है, ठीक है। तो रिकॉर्ड में जब ऑर्ग वाइड सेटिंग हम लोग साथ डालते हैं तो वो बेसलाइन हो गया। उसके बाद हम लोग डेटा को और ओपन कर सकते हैं डिफरेंट वेज से, जो कि आपका रोल हायरार्की से, शेयरिंग रूल से, मैनुअल शेयरिंग से, इन सभी चीजों का यूज करके हम लोग रिकॉर्ड्स को और भी ओपन अप कर सकते हैं, जैसा ऐसा रिक्वायरमेंट होगा उस तरीके से, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमिशन डिटरमाइंस द बेसलाइन लेवल ऑफ एक्सेस ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स इन एन ऑब्जेक्ट। ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट्स मॉडिफाई दोस परमिशंस फॉर रिकॉर्ड्स अ यूजर डजंट ओन। ऑर्ग वाइड शेयरिंग सेटिंग्स कैन बी सेट सेपरेटली फॉर ईच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वही ऑब्जेक्ट परमिशन जो बता रहा है वो बेसलाइन एक्सेस होता है कोई भी रिकॉर्ड्स, कोई भी सारे रिकॉर्ड्स के लिए जो उस ऑब्जेक्ट से बनता है। और ये जो भी एक्सेस देते हैं ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट से, उसका जो परमिशन होता है वो रिकॉर्ड का जो यूजर ओन करता है उससे उसका सारा परमिशन कंट्रोल होता है, जो भी यूजर्स ओन करेगा वो जो ओनर होगा। और ऑर्ग वाइड सेटिंग्स जो है इसको हम लोग सेपरेटली हर एक ऑब्जेक्ट लिए कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्ट वाइज काम सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट्स कैन नेवर ग्रांट यूजर्स मोर एक्सेस देन दे हैव थ्रू देयर ऑब्जेक्ट परमिशन। तो ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट्स जो है ये आपको ज्यादा एक्सेस नहीं प्रोवाइड कर सकता है। कैन नेवर ग्रांट यूजर्स मोर एक्सेस देन दे हैव थ्रू देयर ऑब्जेक्ट परमिशन। अच्छा, तो ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट जो है वो आपका अगर ऑब्जेक्ट परमिशन, अगर ऑब्जेक्ट परमिशन में ही आपका दिया हुआ है कि भाई ऑब्जेक्ट का एक्सेस नहीं है, तो ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट वो आपको वो एक्सेस नहीं दे सकता है। तो ऑब्जेक्ट ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट क्या है वो, जैसे कि हम लोग बेसलाइन समझ रहे थे ना, तो बेसलाइन प्रोफाइल में ही ऑब्जेक्ट का आपका रहता है, परमिशन सेट के थ्रू, प्रोफाइल के थ्रू आपका ऑब्जेक्ट का बेसलाइन होता है। तो ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट क्या कर सकता है, उस बेसलाइन के ऊपर एडिशनल एक्सेस दे सकता है, लेकिन अगर प्रोफाइल और परमिशन सेट में ही आपका एक्सेस नहीं है तो ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट उसमें कुछ नहीं कर सकता है। फिर ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट का एक्सेस जो है वो आपको एक्सेस नहीं देगा। तो बेसलाइन आपका एक्सेस होना चाहिए, ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट एडिशनल एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है रिकॉर्ड के लिए, वही बता रहा है इस लाइन में। टू डिटरमाइन द ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट यू नीड फॉर योर ऐप आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन अबाउट ईच ऑब्जेक्ट। तो अब लोग हम लोग यहाँ समझना है कि ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट का जो एक्सेस होता है कोई भी ऐप में जब किसी ऑब्जेक्ट के लिए आप बना रहे होते हैं, तो ये क्वेश्चन के थ्रू आप उसको इजीली सेट कर सकते हैं। तो ये एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाया है सेल्सफोर्स खुद से, जिसके थ्रू आप पता कर सकते हैं आपका ऑब्जेक्ट प्राइवेट होगा, आपका ऑब्जेक्ट पब्लिक रीड ऑन रीड राइट होगा, आपका ऑब्जेक्ट रीड ऑनली होगा। तो हु इज द मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव यूजर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब जैसे ही आप कोई ऑब्जेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैंडिडेट लॉन्च कर रहे हैं, कैंडिडेट ऑब्जेक्ट, तो कैंडिडेट ऑब्जेक्ट किसके लिए, हु इज द मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव यूजर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, कैंडिडेट किसके लिए सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव होगा। तो अगर हम कैंडिडेट का एग्जाम्पल ले, तो इंटरव्यूअर्स, हायरिंग मैनेजर्स, इनके लिए रेस्ट्रिक्टिव हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर जो रिक्रूटर है, रिक्रूटर के लिए हो सकता है नहीं हो, तो उसमें यस नो करना है। तो अगर इज देयर एवर गोइंग टू बी एन इंस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट दैट दिस यूजर शुडंट बी एबल टू अलाउड शुडंट बी अलाउड टू सी। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि कोई ऐसा इंस्टेंस, अब यहाँ पे हम बोल दिए कि हाँ कौन सा यूजर जो सबसे ज्यादा तो रेस्ट्रिक्टिव होता है, हम इंटरव्यूअर ले लेके चलते हैं। लेकिन अब हम बोलते हैं इंटरव्यूअर के लिए ऐसा कोई इंस्टेंस हो सकता है कि इंटरव्यूअर को कभी ना कभी मतलब हाँ, तो ऐसा कभी कोई इंस्टेंस होगा इंटरव्यूअर में जैसा कि उसको वो अलाउड ना हो देखने के लिए डेटा को, ठीक है। अगर उसका आंसर होगा नो तो आगे जाएंगे, अगर उसका आंसर होगा यस देन वो प्राइवेट हो गया, ठीक है। अगर वो अलाउड टू सी नहीं है देन इट इज गोइंग टू बी प्राइवेट। अगर अलाउड टू सी है देन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, इज देयर एवर गोइंग टू बी एन इंस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट दैट दिस यूजर शुडंट बी अलाउड टू एडिट। अब अभी तक यहाँ पे व्यू का था, अगर व्यू नहीं करने देना है तो प्राइवेट हो गया, अगर व्यू करने देना है तो आएगा नेक्स्ट में कि नेक्स्ट। अब व्यू करने तो दे दिए हैं आप, अब मॉडिफाई करने देंगे कि नहीं, अगर मॉडिफाई करने देंगे बोलेंगे यस तो ये आपका जाएगा पब्लिक रीड राइट में, अगर मॉडिफाई करने नहीं देना है तो ये जाएगा रीड ऑनली में, ठीक है।
तो इस तरीके से आप कोई भी ऑब्जेक्ट का कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे हम रिक्रूटर को लिए, सॉरी इंटरव्यू रिक्रूटर का लेके चलेंगे। तो रिक्रूटर के केस में क्या होगा कि रिक्रूटर को, हाँ रिक्रूटर को हो सकता, अच्छा रिक्रूटर तो इसमें आएगा ही नहीं क्योंकि रिक्रूटर का रिस्ट्रिक्टिव एक्सेस होगा नहीं। इसमें हायरिंग मैनेजर लेके चल सकते हैं। तो इंटरव्यूअर के लिए अगर जाते तो इंटरव्यूअर के लिए सिर्फ रीड ऑनली में आके गिरता है यहाँ पे, क्योंकि इंटरव्यूअर को हमको अलाउड टू सी करना है, अलाउड टू सी करना है लेकिन अलाउड टू एडिट नहीं करने देना है। तो पब्लिक रीड ऑनली हो गया इंटरव्यूअर के लिए। हायरिंग मैनेजर के लिए अलाउड टू सी करना है लेकिन अलाउड टू राइट रीड एड भी करना है, तो ये पब्लिक रीड एड में आ जाएगा। तो इस टाइप से आप कोई भी क्वेश्चंस, आपका अपना रिक्वायरमेंट जब भी ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का जो ऑडियंस होगा, उस ऑब्जेक्ट का जो यूजर होगा, उस यूजर को क्या देखना है क्या नहीं देखना है, उसके अकॉर्डिंग अगर ये चार्ट को फॉलो करेंगे तो हमेशा आपको समझ में आ जाएगा कि उस ऑब्जेक्ट का ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट क्या होने वाला है। ठीक है, तो ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट में तीन टाइप का सेट करते हैं हम लोग, प्राइवेट, पब्लिक रीड ओनली, पब्लिक रीड राइट। ठीक है, बेस्ड ऑन योर आंसर्स यू कैन सेट द शेयरिंग मॉडल फॉर दैट ऑब्जेक्ट टू वन ऑफ दीज सेटिंग्स। अब आपके शेयरिंग, आपके मॉडल के हिसाब से आपका, आप सेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का कि कौन सा सेटिंग्स होना चाहिए उसका ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट में। तो प्राइवेट क्या करता है, ओनली द रिकॉर्ड ओनर एंड यूजर्स अबव द रोल रोल इन द हायरार्की कैन व्यू एडिट एंड रिपोर्ट ऑन दिस रिकॉर्ड्स। तो प्राइवेट के बारे में तो लास्ट टाइम भी बताया था। तो यहाँ पे होता है कि जो रिकॉर्ड ओनर है वही रिकॉर्ड ओनर ही सिर्फ सारा चीज एक्सेस कर सकता है उस रिकॉर्ड का, डिपेंडिंग ऑन द बेस एक्सेस अगेन। और जो रोल हायरार्की से ऊपर होगा वो कर सकता है। ठीक है, देन है पब्लिक रीड ओनली। पब्लिक रीड ओनली हर यूजर जो होता है उस ऑर्ग में, सब कोई को ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड को देखने का एक्सेस मिलेगा, क्योंकि पब्लिक बोल रहा है, पब्लिक मतलब पब्लिक ग्लोबल, हर कोई देख सकता है। तो इसमें रीड ओनली का मतलब हो गया सिर्फ देखना, ना मॉडिफिकेशन इसमें नहीं है, तो सिर्फ देख सकते हैं हर यूजर उस ऑर्ग के। लेकिन जो ओनर होगा सिर्फ ओनर को ही एक्सेस होगा एडिट करना, या फिर रोल हायरार्की से ऊपर जो होगा उसको सिर्फ एक्सेस होगा एडिट करने का, अगेन बेस प्रोफाइल में होना चाहिए तब। ठीक है, पब्लिक रीड राइट में क्या हो गया, सभी यूजर देख भी पाएगा, मॉडिफाई भी कर पाएगा, रिपोर्ट भी कर पाएगा सारे रिकॉर्ड्स पे, तो वो हो गया पब्लिक रीड राइट। अब कंट्रोल बाय पेरेंट क्या होता है, कंट्रोल बाय पेरेंट हम बताए थे जैसे आप लोगों को रिलेशनशिप के बारे में बताए थे, एक लुकअप एक मास्टर। तो कंट्रोल बाय पेरेंट आप लोगों को याद होगा हम बताए थे कि कंट्रोल बाय पेरेंट वो होता है जिसमें मास्टर रिलेशनशिप होता है कोई भी दो ऑब्जेक्ट में, पेरेंट एंड चाइल्ड में, जिसमें कि हम बॉडी और बॉडी के पार्ट्स का एग्जाम्पल लिए थे। ठीक है, तो वो आपका हो गया कंट्रोल बाय पेरेंट। सो इसमें अ यूजर कैन व्यू एडिट और डिलीट अ रिकॉर्ड इफ सी कैन परफॉर्म दैट सेम एक्शन ऑन द रिकॉर्ड इट बिलोंग्स टू। ठीक है, वही बोल रहा है ना कि अगर चाइल्ड जिस रिकॉर्ड को बिलोंग करता है उसमें अगर आप रीड एडिट डिलीट कर पा रहे हैं तो सेम एक्सेस आप चाइल्ड में भी है, चाइल्ड में भी रीड एडिट डिलीट कर सकते हैं। व्हेन द ऑर्ग वाइड शेयरिंग सेटिंग्स ऑफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इज प्राइवेट और पब्लिक रीड ओनली, एन एडमिन कैन ग्रांट यूजर्स एडिशनल एक्सेस टू रिकॉर्ड्स बाय सेटिंग अप रोल हायरार्की और डिफाइनिंग शेयरिंग रूल्स। शेयरिंग रूल्स कैन ओनली बी यूज्ड टू ग्रांट एडिशनल एक्सेस, दे कैन नॉट बी यूज्ड टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू रिकॉर्ड्स बियॉन्ड व्हाट वाज ओरिजिनली स्पेसिफाइड विद द ऑर्ग वाइड शेयरिंग, ऑर्ग वाइड शेयरिंग डिफॉल्ट्स। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे कि ओके, ऑर्ग वाइड शेयरिंग जब हम लोग प्राइवेट और पब्लिक रीड ओनली होता है तो एक एडमिन जो है उस रिकॉर्ड का सेटअप रोल हायरार्की के थ्रू कर सकता है, शेयरिंग रूल के थ्रू कर सकता है, जिससे जो एडिशनल एक्सेस प्रोवाइड हो जाएगा। लेकिन जैसा कि हम लोग अभी पढ़ते जा रहे हैं सेल्सफोर्स में, ये समझ में आ रहा है थोड़ा सबको कि एक्सेस कभी भी हम लोग परमिशन सेट से या फिर शेयरिंग सेटिंग से, इन सभी चीज से हम लोग एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ एक्सेस दे जरूर सकते हैं। तो यहाँ पे भी बोल रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का प्राइवेट और पब्लिक रीड ओनली है तो हम लोग क्या रोल हायरार्की से, शेयरिंग सेटिंग से और भी एक्सेस, एडिशनल एक्सेस दे सकते हैं, लेकिन इसके थ्रू हम लोग एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं और ज्यादा। तो वही इसमें बताया, एज एन एग्जाम्पल लेट्स गो थ्रू एंड आंसर द अबव लिस्ट ऑफ क्वेश्चन फॉर दिस, फॉर द पोजिशन ऑब्जेक्ट इन द रिक्रूटिंग ऐप। अब वही सेम क्वेश्चन जो ऊपर ये सेटअप क्वेश्चन हम लोग था, अब ये सारा क्वेश्चन हम लोग पोजिशन ऑब्जेक्ट जो है रिक्रूटिंग ऐप का उसके लिए करेंगे। हु इज द मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव यूजर फॉर दिस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो पोजिशन के लिए क्या है, सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव अ मेंबर ऑफ द स्टैंडर्ड एम्प्लॉय प्रोफाइल, ऑल दैट दे आर अलाउड टू डू इज व्यू द पोजिशन, व्यू ऑफ पोजिशन।
तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या गया कि स्टैंडर्ड एम्प्लॉय जो है वो सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव यूजर होगा इस प्रोफाइल का, क्योंकि वो लोग सिर्फ देखना ही उनको अलाउड है और देखना उसके अलावा कुछ अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं किसी ऑर्ग में तो आपको सारे यूजर को ध्यान में रख के उसको एवेल्युएट करना होगा। ऐसा नहीं कि आपके आप मान लीजिए हम आए और मेरा एक ऑर्ग है उसमें 1000 यूजर ऑलरेडी काम कर रहा है, कल को डेट में कोई रिक्वायरमेंट आया कोई एक पर्टिकुलर टीम के लिए, फॉर एग्जांपल फाइनेंस टीम का एक रिक्वायरमेंट आया कि भाई एक ऑब्जेक्ट बनाना है उसमें कोई ये स्टोर करना है, तो मेरा जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा वो कभी भी सिर्फ फाइनेंस टीम को देख के नहीं होगा, मेरा रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा सारे हजारों यूजर्स को देख के, सारे टीम और डिपार्टमेंट को देख के, क्योंकि एक बार वो ऑब्जेक्ट बन गया तो ऑब्जेक्ट जो है सब कोई के लिए मतलब ऑर्ग में होगा ना, सारे प्रोफाइल्स के लिए, सारे यूजर्स के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि सारे यूजर्स, सारे प्रोफाइल्स, जो भी डिपार्टमेंट्स है उन सभी का एक्सेस एनालाइज करना, उसको समझना, उसके बाद उसको ग्रांट करना। तो यहाँ पे जब पोजिशन ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे हम लोग एनालाइज करके सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव किसको किसको मिला अभी तक का, जो एग्जाम्पल में पढ़े स्टैंडर्ड एम्प्लॉय प्रोफाइल को, स्टैंडर्ड एम्प्लॉय प्रोफाइल को हम लोग अभी जो लास्ट में पढ़ते जा रहे हैं, जो लास्ट 2 यूनिट से, इनको जो पोजीशन ऑब्जेक्ट है उसका सबसे रेस्ट्रिक्टिव एक्सेस जो है इनको ही मिला हुआ है, ये सिर्फ देख सकते हैं। तो पहला आंसर ये क्लियर हुआ। दूसरा, इज देयर एवर गोइंग टू बी एन इंस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट दैट दिस यूजर शुडंट बी अलाउड टू सी। अब ऐसा कोई इंस्टेंस होगा जब ये ऑब्जेक्ट का जो एक्सेस है किसी भी को इसको जो है देखना अलाउड ना हो? नो, क्योंकि व्यू करने के लिए ही तो है स्टैंडर्ड प्रोफाइल में, तो ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं है, तो नो होगा। Although the values for the minimum and maximum pay fields are hidden from standard profiles, they are still allowed to view all the positions. तो हम लोग ये देखे थे कि पोजिशन ऑब्जेक्ट में मिनिमम एंड मैक्सिमम सैलरी को हाइड कर दिए हैं स्टैंडर्ड प्रोफाइल से, लेकिन सिर्फ फील्ड ये दो को हाइड किए, बाकी रिकॉर्ड का एक्सेस व्यू ऑनली उनका है, वो व्यू कर सकते हैं। इज देयर एवर गोइंग टू बी एन इंस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट दैट दिस यूजर शुडंट बी अलाउड टू एडिट? यस, अब हम लोग तो व्यू ही का देख रहे हैं, एडिट करने का तो ऑप्शन दे ही नहीं देख रहे हैं, तो यहाँ पे वही दिया हुआ है कि यस स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज आरंट अलाउड टू एडिट एनी पोजिशन रिकॉर्ड। तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होगा पोजिशन में जो कि स्टैंडर्ड एम्प्लॉय को अलाउ करना है कि वो एडिट कर सके। तो अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग पहुंच गए हैं इस यस पे, तो अगर हम वापस जाए डायग्राम पे, तो डायग्राम पे क्या था हमारा, तो डायग्राम पे था हमारा पहला नो और दूसरा यस। तो अगर हम यहाँ पे आएंगे, पहला नो और दूसरा यस, तो ये हो जाएगा पब्लिक रीड ओनली इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे है सिंस वी आंसर्ड यस टू द थर्ड क्वेश्चन, द शेयरिंग मॉडल फॉर दिस पोजिशन ऑब्जेक्ट शुड बी सेट टू पब्लिक रीड ओनली, जैसे कि हम लोग यहाँ देखें। तो यहाँ पे क्या करना है, हम लोग पब्लिक रीड ओनली हम लोग रख सकते हैं इसको। ठीक है, बाय रिपीटिंग द सेम एक्सरसाइज विद अदर रिक्रूटिंग ऑब्जेक्ट्स यू कैन इजिली फिगर आउट द अप्रोप्रिएट और वाई डिफॉल्ट सेटिंग्स फॉर देम। द स्टैंडर्ड एम्प्लॉय प्रोफाइल इज द मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड यूजर फॉर ईच ऑब्जेक्ट एंड देर आर गोइंग टू बी कैंडिडेट जॉब एप्लीकेशन एंड रिव्यू रिकॉर्ड दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉयज वॉन्ट बी एबल टू व्यू। कंसिक्वेंटली द शेयरिंग मॉडल फॉर द कैंडिडेट जॉब एप्लीकेशन एंड रिव्यू ऑब्जेक्ट शुड ऑल बी सेट टू प्राइवेट। अब जैसा कि बता रहा है कि यही स्टेप्स रिपीट करके आप बाकी जो ऑब्जेक्ट्स बनाने वाले हैं, कैंडिडेट जॉब एप्लीकेशन और रिव्यू ऑब्जेक्ट, इसका भी सेम क्वेश्चंस पूछ के आप एनालाइज कर सकते हैं। तो इसमें आप अभी जितना ही पढ़ते आ रहे होंगे और पिछला यूनिट से आप देख रहे होंगे कि स्टैंडर्ड एम्प्लॉय जो है उसी का सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव एक्सेस है सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो कंसिडरिंग दैट, और जब भी आप पूरा एनालिसिस करके ये पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे, आपको लास्ट में ये पता चलेगा कि कैंडिडेट जॉब एप्लीकेशन और रिव्यू ऑब्जेक्ट जो है इन सभी का जो ऑर्ग वाइज डिफॉल्ट होगा वो प्राइवेट होगा। ठीक है, ये एक हो गया। यू कांट सेट द ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट्स फॉर द रिव्यू ऑब्जेक्ट बिकॉज दैट ऑब्जेक्ट इज ऑन द डिटेल साइट्स ऑफ अ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप एंड अ डिटेल रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली इनहेरिट्स द शेयरिंग सेटिंग्स ऑफ इट्स पेरेंट, सो इन आवर ऐप द रिव्यू ऑब्जेक्ट इज ऑटोमेटिकली सेट टू प्राइवेट। अब रिव्यू ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्टली प्राइवेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिव्यू ऑब्जेक्ट जो है वो आपका चाइल्ड है। ठीक है, वो चाइल्ड है और वो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में है, इसीलिए वो ऑटोमेटिक प्राइवेट हो जाएगा। सेट ऑर्ग वाइड शेयरिंग डिफॉल्ट्स, यूज ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट्स टू स्पेसिफाई द बेसलाइन लेवल ऑफ एक्सेस दैट द मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड यूजर्स शुड हैव।
अब हम लोग यहाँ पे सेटअप करने जा रहे हैं, तो इन सेटअप तो क्विक फाइंड मोस्ट शेयरिंग सेटिंग्स में जाना है, क्लिक एडिट करना है, ऑग वाइड डिफॉल्ट एरिया में जाना है, और यहाँ पे देखिए जैसे ही आप वो स्टेप फॉलो करेंगे ये सारे ऑब्जेक्ट के सामने आपको आ जाएगा जो भी आप करना है, जो भी एक्सेस आपको देना है। ठीक है, सम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स यूज डिफरेंट ऑग वाइड डिफॉल्ट ऑप्शंस, कस्टम ऑब्जेक्ट ऑग वाइड डिफॉल्ट ऑप्शंस इंक्लूड प्राइवेट पब्लिक रीड ओनली एंड पब्लिक रीड ओनली। तो जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड में कुछ कुछ डिफरेंट आपको मिलेगा क्योंकि वो स्टैंडर्ड है और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स का कुछ एडिशनल एक्सेस भी होता है, तो उनका ऑप्शंस में आप देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा जैसे कि रीड राइट ट्रांसफर है यहाँ पे। ठीक है, तो वो उस टाइप का आप हाइड डिटेल्स एंड ऐड इवेंट्स, इस टाइप का आप कुछ कुछ डिफरेंट देखेंगे, लेकिन ये जो है सिर्फ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स का ही होगा, आउट ऑफ द बॉक्स वाले का। कोई भी कस्टम ऑब्जेक्ट आप जब बना रहे होंगे तो कस्टम ऑब्जेक्ट में से यही तीन देखेंगे जो तीन अभी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, फॉर ईच ऑब्जेक्ट सेलेक्ट द डिफॉल्ट एक्सेस यू और यू वांट टू गिव एवरीवन टू डिसेबल ऑटोमेटिक एक्सेस यूजिंग योर हायरार्की, डिसलेक्ट ग्रांट एक्सेस यूजिंग हायरार्कीज फॉर एनी कस्टम ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट एक्सेस टू कंट्रोल अपेंड। अच्छा, इसमें एक और चीज बता रहा है कि अभी तक हम लोग ये पढ़े कि अगर कोई प्राइवेट ऑब्जेक्ट होगा तो उसको हम लोग हायरार्की से देख सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है जिसको हायरार्की से भी नहीं दिखाना है तो वो सिर्फ आप कस्टम ऑब्जेक्ट क्लिक कर सकते हैं। कोई भी कस्टम ऑब्जेक्ट के बगल में आप देखिएगा ये ग्रांट एक्सेस यूजिंग हायरार्कीज है, तो उसमें आपको वो टिक बॉक्स करेंगे तो एक्सेस मिल जाएगा, अगर फॉल्स रहेगा तो रोल हायरार्कीज के थ्रू भी नहीं देख पाएगा प्राइवेट रिकॉर्ड्स में। तो आपको मेक श्योर करना है कि ये आप टिक करके रखें, तो इससे क्या होगा कि रोल हायरार्की के थ्रू आप उसको एक्सेस दे सकते हैं प्राइवेट होने के बावजूद। बाय डिफॉल्ट रोल हायरार्की ऑटोमेटिकली ग्रांट्स एक्सेस टू रिकॉर्ड्स फॉर यूज अबव द रिकॉर्ड ओनर इन द हायरार्की सेटिंग्स ऑन हायरार्की सेटिंग्स एंड ऑब्जेक्ट टू प्राइवेट मेक्स दोज रिकॉर्ड्स विजिबल ओनली टू द रिकॉर्ड ओनर्स दोज अबव देम इन द रोल हायरार्की, यूज द ग्रांट एक्सेस यूजिंग हायरार्की चेक बॉक्स टू डिसेबल एक्सेस टू रिकॉर्ड्स टू यूज अबव द रिकॉर्ड ओनर इन द हायरार्की फॉर कस्टम ऑब्जेक्ट्स, इफ यू डिसलेक्ट दिस चेक बॉक्स फॉर कस्टम ऑब्जेक्ट्स ओनली द रिकॉर्ड ओनर एंड द यूज ग्रांट एक्सेस बाय द फॉरवर्ड डिफॉल्ट्स। अच्छा, ये सेम चीज जो अभी हम बता दिए ग्रांटेबल के बारे में वही बता रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका प्राइवेट है और ये चेकबॉक्स अगर फॉल्स है तो रोल हायरार्की के थ्रू भी आप नहीं दिखा पाएंगे उसको। रोल हायरार्की के थ्रू दिखाने के लिए आपको ये चेकबॉक्स ट्रू करना होगा, तभी वो देख सकता है प्राइवेट ऑब्जेक्ट का, अदरवाइज नहीं। इवन इफ ग्रांट एक्सेस इज डिसलेक्टेड सम यूजर्स सच एज दोज विद व्यू ऑल मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट्स परमिशन एंड व्यू ऑल डेटा मॉडिफाइड डेटा सिस्टम परमिशंस कैन स्टिल एक्सेस दोज रिकॉर्ड्स दे आर नॉट नोन। अच्छा, यहाँ पे एक 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 बस ट्रिक रहता है, तो प्रोफाइल में हम लोग रीड एडिट क्रिएट, रीड क्रिएट एडिट डिलीट ये चार पढ़े हैं और ये चार जानते हैं, पांचवा छठा दो और चीज होता है वो होता है व्यू ऑल और मॉडिफाई ऑल। ये हर प्रोफाइल में आपको हर ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में मिलेगा, तो स्टार्टिंग में तो रहेगा ही आपका रीड क्रिएट एडिट डिलीट चार चीज, और पांचवा छठा होता है व्यू ऑल मॉडिफाई ऑल। तो नाम से ही पता चल रहा है व्यू ऑल मॉडिफाई ऑल का मतलब, कि व्यू ऑल मतलब आप सब चीज देख सकते हैं, मॉडिफाई ऑल सब चीज मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये बता रहा है कि इसमें एक एक्सेप्शन ये होता है, ये एक्सेप्शन सिनेरियो है कि अगर आपका ग्रांट एक्सेस यूजिंग है कि फॉल्स भी है, लेकिन उस पर्टिकुलर यूजर के प्रोफाइल में व्यू ऑल और मॉडिफाई ऑल है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, तो इट डजेंट मैटर कि आपका ये फॉल्स है या ट्रू है, व्यू ऑल है मॉडिफाई ऑल है, दैट मीन्स आपको ऑटोमेटिकली सारा डेटा देखने का, सारा डेटा मॉडिफाई करने का एक्सेस मिल चुका है, तो आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग। ठीक है, वही बता रहे हैं आप, ये एक एक्सेप्शन केस हो गया। अपडेटिंग द ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली रन यू शेयरिंग रिकैलकुलेशन टू अप्लाई एनी एक्सेस चेंजेस टू योर ऑर्ग रिकॉर्ड्स, यू रिसीव अ नोटिफिकेशन ईमेल व्हेन द रिकैलकुलेशन कंप्लीट्स एंड यू कैन रिफ्रेश द शेयरिंग सेटिंग्स पेज टू सी योर चेंजेस, टू व्यू द अपडेट स्टेटस फ्रॉम सेटअप इंटरव्यू सेटअप ऑडिट ट्रायल इन द क्विक फाइंड बॉक्स ऑप्शन देन सेलेक्ट व्यू सेटअप ऑडिट ट्रायल। वही बता रहे हैं कि जब भी आप ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट सेट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपका शेयरिंग रिकैलकुलेट करता है और ये सारे डेटा में आपके सिस्टम में जितना भी रिकॉर्ड है सब में अप्लाई कर देता है, और आपको एक ईमेल नोटिफिकेशन भी जाएगा ये जब भी आपका रिकैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप बाद में इसको चेक भी कर सकते हैं खुद से, और इसका अपडेट देखने के लिए आप ऑडिट ट्रायल में भी जाकर देख सकते हैं। ऑडिट ट्रायल में जाने के लिए सेटअप में जाना है, क्विक फाइंड में जाना है, भी ऑडिट ट्रायल देखना है, यहाँ से आप देख सकते हैं क्या क्या चेंजेस हुआ है। Once you have locked down your data with org wide defaults, the results settings might be too restrictive for some users. You can then use the remaining record level security controls, role hierarchy sharing rule, and manual sharing to open up record access selectively to specify employee who need it. अब जैसे बता रहा है कि अगर org wide default एक बार ही आप किसी record किसी object का set कर देते हैं
तो उससे क्या होगा कि आप अपने ऑब्जेक्ट को सारे यूजर्स के थोड़ा सा ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव, टू रेस्ट्रिक्टिव कर सकते हैं, ज्यादा ही रेस्ट्रिक्टिव कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद आपके पास ऑप्शंस है कि आप कैसे कैसे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आप रिकॉर्ड्स को खोलते हैं बाकी सारे यूजर्स के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि नीचे से ये स्टार्ट हुआ, फिर रोल हायरार्की से खुलेगा, शेयरिंग रूल से खुलेगा, मैनुअल शेयरिंग से खुलेगा। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि स्लोली आप इसको खोल सकते हैं बाकी सारे रिकॉर्ड्स के लिए, जैसे जैसे आपको देना होगा एक्सेस। एपेक्स मैनेज शेयरिंग अलाउ डेवलपर्स प्रोग्रामेटिकली शेयर रिकॉर्ड एसेट्स विद कस्टम ऑब्जेक्ट। व्हेन यू यूज एपेक्स मैनेज शेयरिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ओनली यूजर्स कैन मॉडिफाई परमिशन, दे कैन ऐड और चेंज द शेयरिंग ऑन द कस्टम ऑब्जेक्ट्स रिकॉर्ड्स एंड शेयरिंग एक्सेस स्टे द सेम इवन इफ द रिकॉर्ड आर चेंज। ओके, एपेक्स शेयरिंग एक और शेयरिंग होता है जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये पांचवा शेयरिंग होता है रिकॉर्ड में। तो जब कभी ऐसा कोई रिक्वायरमेंट आता है जो इन चारों से भी ना हो पाए फुलफिल, और वो इस चारों में आउट ऑफ द बॉक्स ना हो पा रहा है, तब जाके हम लोग ये पांचवा करते हैं, जो बोलते हैं एपेक्स शेयरिंग। एपेक्स शेयरिंग क्या होता है? एपेक्स एक लैंग्वेज है सेल्सफोर्स का, जिसे प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग, कोडिंग करते हैं। तो तब हम लोग कोडिंग के थ्रू एक्सेस देना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग इसके बारे में मॉड्यूल में पढ़ेंगे, तो इसके अलग से हम लोग उसका यूनिट करेंगे। यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं एक्सेस कंट्रोल टू रिकॉर्ड्स।